गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 13 वेट। व्हाट इज वेट? इन डे टू डे लाइफ द वेट इज यूज्ड टू मेजर हाउ मच हैवी द ऑब्जेक्ट इज। मींस ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हैवी है। सपोज इफ यू वांट टू मेजर द वेट ऑफ डस्टर, मींस ये कितना हैवी है डस्टर, तो दैट इज द वेट कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हैवी है। ओके, दैट इज द वेट। इफ वी गो टू अ शॉप एंड टेल द शॉपकीपर प्लीज गिव सम 5 kg और 2 kg एप्पल्स। अगर हम शॉप पर जाते हैं, शॉपकीपर को क्या बोलते हैं कि प्लीज गिव मी 5 kg और 2 kg एप्पल, दैट इज द वेट। दैट इज द वेट कि हमने उस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है एप्पल, वो कितने हैवी है, 5 kg और 2 kg, दैट इज द वेट। नाउ नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ वेट। यूनिट्स ऑफ वेट, फर्स्ट किलोग्राम। फर्स्ट इज किलोग्राम। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट एंड इज डिनोटेड बाय केजी। किलोग्राम इज डिनोटेड बाय केजी। किलोग्राम इज केजी। इट इज द बिगर यूनिट ऑफ वेट। किलोग्राम इज द बिगर यूनिट ऑफ वेट। इफ यू वॉन्ट टू मेजर द वेट ऑफ बैग ऑफ राइस, अगर हम राइस के बैग को मेजर करना चाहते हैं कि वो कितना हैवी है, वी विल मेजर इन किलोग्राम। वी विल मेजर इन किलोग्राम। नाउ नेक्स्ट ग्राम। नेक्स्ट यूनिट इज ग्राम। इट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट। ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट एंड इज डिनोटेड बाय जी। इज डिनोटेड बाय जी। If we want to the measure the weight of few apples, one or two, we will measure in gram. अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहते हैं तो we will measure in kilogram. अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा है तो we will measure in gram. It is a bigger unit of weight and it is a smaller unit of weight. I hope it is clear to everyone. Units of weight, kilogram and ग्राम। कन्वर्जन, हाउ वी विल कन्वर्ट किलोग्राम इन ग्राम। सपोज कन्वर्ट किलोग्राम इन ग्राम। सपोज वी हैव गिवन 3 kg 250 g। 3 kg 250 g। किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट of weight and gram is the smaller unit of weight. If we will convert bigger into smaller, अगर हम बड़े का small बना रहे हैं, small में convert कर रहे हैं, तो we will do multiply. We will do multiply. Here how many kilogram is given? 3 kg. How many gram in 1 kg? 1 kg is equal to 1000 g. 1 kg में कितने ग्राम होते हैं हमारे? 1000 g. And 3 kg is equal to 3 × 1000, 3000 g. 250 g more given, we will add 3000 g plus 250 g. टोटल ग्राम 0 + 0 = 0, 0 + 5 = 5, 0 + 2 = 2, 3 as it is. हाउ मेनी ग्राम्स? 3250 g. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन हाउ यू विल कन्वर्ट किलोग्राम इन ग्राम। वेन वी कन्वर्ट किलोग्राम इन टू ग्राम, मीन्स बिगर यूनिट इन टू स्मॉलर यूनिट, वी विल डू मल्टीप्लाई। वी विल डू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, कन्वर्ट इन टू
convert gram into kilogram and gram. अब हमने gram के क्या बनाने हैं, kilogram और gram. Suppose you have given 3250 gram. Clear? As I told you, how many gram in 1 kilogram? 1000 gram in 1 kilogram. 1 kilogram में कितने gram होते हैं आपके? 1000 gram. Here 3250 gram is equal to, we will separate 1000 period. How we will separate 1000 period? Replace 3250. First we will write the place. Ones, tens, hundred, thousand. We will separate 1000 place, means we will write like this. 3000 plus 250. When we will convert gram into kilogram and gram, we will separate the 1000 place. हम 1000 place को separate करेंगे. 3000 plus 250 means 3000 gram plus 250 gram. 1000 gram will make 1 kilogram and 3000 gram will make 3 kilogram. 1000 gram के 1 किलोग्राम बनते हैं, 3000 gram के कितने किलोग्राम बनेंगे? 3 किलोग्राम plus 250 gram means 3 किलोग्राम 250 gram. I hope it is clear to everyone how you will convert gram into kilogram and gram. First we will separate 1000 place. Here 3250 is given. 3000 plus 250. हमने यहाँ पर 1000 place को separate कर देना. 3000 plus 250. 3000 gram plus 250 gram. 1000 gram is equal to 1 kilogram. 1000 gram में कितने gram kilogram बनते हैं? 1 kilogram. 3000 gram is equal to 3 kilogram plus 250 gram. It means 3 kilogram 250 gram. I hope this is clear to everyone. Thank you.